आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए आखिरकार ये मजबूरी क्यों थी कि पाकिस्तान को अभिनंदन को वापस छोड़ना ही था। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों पाक की मजबूरी थी। भारत ने दुनिया के मोर्चे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया, पायलट पर हुए जुल्म को लेकर पाकिस्तान को चेताया भी गया भारत की तरफ से। 1949 की जिनेवा संधि के तहत पाकिस्तान ने घुटने टेके और ये फैसला लिया कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा जाएगा। जिनेवा संधि के मुताबिक बंदी सैनिक को रिहा करना ही पड़ता है, साथ ही साथ आप उस पर किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं कर सकते, बंदी सैनिक को प्रताड़ित परेशान नहीं किया जा सकता है, जानकारी उगलवाने के लिए बर्बरता भी नहीं की जा सकती है अगर युद्ध के दौरान आप किसी भी सैनिक को पकड़ते हैं दुश्मन देश के। पाकिस्तान ने पायलट अभिनंदन को टॉर्चर किया, जिनेवा संधि का उल्लंघन किया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने पायलट के वीडियोस भी डाले जो डालना अलाउड नहीं है। संधि के दौरान पायलट अभिनंदन के चेहरे पर खून जो था वो भी देखा गया। हालांकि ये कहा गया कि स्थानीय लोगों ने मारपीट की थी और इसलिए वो खून निकला। पाकिस्तानी सेना ने पायलट से खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी जो कि आप नहीं कर सकते, और दुनिया के कई मुल्कों ने इसे लेकर पाकिस्तान पर दबाव भी बनाया था।